चुनाव सातवें व अंतिम चरण के लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में जनपद के दो लोकसभा सीट गोरखपुर सदर और बांसगांव में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर गोरखपुर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में पैरामिलिट्री फोर्स पीएसी सहित अन्य फोर्स पहुंच चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि 19 मई को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदाता निर्भीक और निडर होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। पूरे जिले में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करके वहां अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि बिना डरे बिना रुके खूब करें मतदान, गोरखपुर पुलिस है आपके साथ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, 19 मई को गोरखपुर के दो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, गोरखपुर सदर और बांसगांव, लेकर सुरक्षा क्या व्यवस्था है, कितनी फोर्स लगाएंगे? जी, गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से सातवें चरण का जो अंतिम चरण का मतदान है उसके लिए तैयार है। गोरखपुर और बांसगांव संसदीय क्षेत्र में इसके लिए मतदान होना है। 1700 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं और तकरीबन 3800 से ज़्यादा जो है मतदान के बूथ हैं, जिनमें हम सभी लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो आएँ, भारी संख्या में मतदान करें। सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स है, पीएसी है, होमगार्ड्स हैं, भारी मात्रा पर उसका आवागमन हो चुका है। और हम जितने भी हमारे बूथ्स हैं उसमें आधे से अधिक बूथ्स पर जो है हम पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल लगा रहे हैं, जिससे कि निष्पक्षता, निडरता और स्वतंत्रता बरकरार रखी जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि बिना डरे बिना थके मतदान करें, मतदान करें। सर, कुछ मतदान केंद्रों पर लोग अपने वाहन को लेकर जाते हैं, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, उनको कहाँ तक प्रतिबंधित किया जी? बिल्कुल, मतदान के केंद्र के 200 मीटर तक के आप जो है कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं। 200 मीटर से बाहर हम चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ मतदान के केंद्रों पर जिन मतदाता जहां पर 1200, 1500, 2000 से अधिक हैं, हमने वहां पार्किंग प्लेसेस भी आइडेंटिफाई की हैं और उसके लिए पार्किंग की ड्यूटी भी पुलिस कर्मियों की लगी है, जिससे आपके सामान और आपके गाड़ियों की सुरक्षा रखी जाए। हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपनी वो प्राइवेट गाड़ियों में आएँ और खुल करके मतदान करें। और 200 मीटर दूर तक के जो है आपकी जो बनी है मतदान केंद्र में मोबाइल फ़ोन ले जाना इत्यादि सभी कुछ मना होता है। आप अपना एक कोई भी वोटर कार्ड या पहचान चिन्ह लेकर के आएँ मतदाता पर्ची के साथ और आप वोट डाल सकते हैं। कुछ संवेदनशील भी केंद्र है, कुछ अराजकता तो चिन्हित किया गया? जी, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कुछ गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से मतदान केंद्र क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल तय किए जाते हैं। जहाँ 75% से अधिक पोलिंग होती है, कहीं पहले अपवाद स्वरूप कहीं कहीं कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, तो ऐसे बहुत कम ही मतदान केंद्र हैं। गोरखपुर में हमेशा से बहुत ही शांति से, मैं यहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, पिछले इतिहास में कोई ऐसा बड़ा वायलेंस, पोल वायलेंस नहीं है। कुछ संख्या में जहाँ पर क्रिटिकल है वो कहीं प्रतिद्वंदिता है, कहीं प्रधानी के चुनाव में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो तू मैं हुई, ऐसे केंद्रों को चिन्हित किया गया है। ऐसे लोगों को भी बाउंड डाउन किया गया है, 25,000 से अधिक लोगों को बाउंड डाउन किया जा चुका है और बहुत सारे लोगों को हम जेल भेज चुके हैं, 47 से अधिक लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, तकरीबन 20 से अधिक लोगों पर गुंडा एक्ट लगा करके हम उन पर कार्रवाई कर चुके हैं। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं माहौल चुनाव के लिए पूरी तरह अनुकूल है और लोग बिना डरे बिना थके मतदान कर सकते हैं। कितने बजे से सुबह से लेकर कितने बजे तक शाम तक मतदान का जो समय है आपने देखा, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के मतदान चलता रहता है और इस बीच में कोई भी जा करके अपना मत दे सकता है।